ये जो नेम प्लेट का विवाद है इस पर आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे बोलने से पहले खींच होती है कि इस पे क्या बोले। मुझे तो कभी कभी सरकारों से कहना है कि आप फल के ठेलों पे नाम लिखवा दोगे तो मुझे ये बताओ कि ये कैसे जांचोगे कि ये फल जहां से निकल के आया है इसका पौधा किसने रोपा था, इसमें पानी किसने दिया था, इसका फल तोड़ करके मार्केट तक कौन ले आया था, ये कैसे जस्टिफाई करोगे, कैसे कौन सा मैकेनिज्म डेवलप करोगे और फलों पर ढाबों पर होटलों पर तो नाम लिखवा दोगे, बताओ क्या खून की बोतलों पर भी नाम लिखवा पाओगे जो ब्लड बैंक में रखे रहते हैं? क्या किसी मरीज जिसकी जान जा रही होगी उसे खून के कतरों की जरूरत होगी तो ये पूछेगा कि इस बोतल में मुसलमान का खून है कि हिंदू का खून है? और क्या खून का रंग कभी ये बता सकता है कि मैं किसी मुसलमान के शरीर से निकला हूं या हिंदू के या सिख के ईसाई के? मुझे बताओ शेखावाटी वालों कि कोरोना के दौरान जब हमारी उखड़ती हुई सांसें ऑक्सीजन का सिलेंडर मांग रही थी तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के अपनी सांसों में लगाने से पहले हमने उससे पूछा था कि ये जो बोतल है इसे सिलेंडर ढो के जो लाया है वो हिंदू है या मुसलमान, ये जिस फैक्ट्री में बनी है वो हिंदू या मुसलमान की फैक्ट्री है? हमने कभी ऐसा सोचा था? कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि न जाने कितनी लाशें थी जिन्हें अंतिम संस्कार करने वाले लोग नहीं मौजूद थे। उस समय समाज के कुछ ऐसे बहादुर योद्धा, मैं जिनको मानता हूं, जिनको सैल्यूट करता हूं, जो हर शहर में आगे निकल के आते थे, अर्थी को कंधा देते थे, चिता सजाते थे, अग्नि देते थे। मुझे तो सरकारों से पूछना है कि कैसे पता करोगे कि वो कंधा देने वाले लोग कौन थे? क्या उनका भी नाम लगवाओगे? क्या चिता की लकड़ियां सजाते हुए उन लोगों से पूछोगे कि तुम किस मजहब के हो, किस धर्म के हो? बंद करो ये बंटवारा, देश उग चुका है इस बंटवारे से। देश मोहब्बत चाहता है, प्यार से रहना चाहता है। आज एक तरफ दरगाह के सज्जादा नशीन बैठे हैं और एक तरफ महाराज बैठे हैं। आए कोई बताए देख करके कि इनमें कोई अलगाव है, कोई दुराव है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं, गंगा और यमुना दो नदियां, पवित्र नदियां वहां आती हैं, दोनों मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती है, संगम होता है वहां पर, वहां नदियों का संगम होता है। लेकिन अगर आज यहां कोई आए, मीडिया का साथी, सरकार का साथी, तो वो देखे कि इलाहाबाद में तो नदियों का संगम होता है लेकिन झुंझुनू की सरजमीन पर आज देशभक्त लोगों का संगम हो रहा है, योद्धाओं का संगम हो रहा है, तहजीबों का संगम हो रहा है, संस्कृतियों का संगम हो रहा है, अलग अलग धर्मों का संगम हो रहा है।